सो गाइस, इस फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को, तो आप लोग जो वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को जो है, आप लोगों को यहाँ से पहले अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से रिमूव कर रखा है, तो अगर आपको नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 वीडियो की लिंक दे रखी है जिन्हें मैंने एकदम डिटेल में समझा रखा है कि आप कैसे जो है अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। सो इतना जाने के बाद आपको अपने मॉडल को यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर मेरे कुछ पार्ट जो है यहाँ पर रिमूव करने, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद जो आप लोग यहाँ से जब रिमूव हो जाएगा तब लोग यहाँ पर फोटो को डन करना है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को जो बैकग्राउंड में जाना है तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है। नेगा उसके बाद जब आपकी शेडो बन जाएगी तो आपको जो है अपने मॉडल का डुप्लीकेट बना लेना है, इसको सेम साइज़ में रख देना है। फिर आप लोग यहाँ से चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको कलर्स में चले जाना है। कलर्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक बार टैप करना है, उसका जो अमाउंट एकदम जीरो करके मर्ज कर देना है। फिर नेगेटिव वाला लेना आपको एंड उसका जो अमाउंट है, इसके बाद आप लोग को ह्यू में कलराइज में चले जाना है। यहाँ पर इसका जो कलराइज आपको यहाँ पर येलो टोन तक रखना है एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर डन करना है। फिर इज टू में जाकर सब कुछ इन्वर्ट कर देना, सब कुछ रिमूव कर देना है यहाँ पर। एंड यहाँ पे जो साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना आपको ब्रश को। एंड यहाँ पे जब आपको एक रिम लाइट क्रिएट करनी है, एंड उसके बाद जो आप लोग यहाँ पे जो है ब्लेंडिंग मोड रखना है जो सुटेबल हो आपके फोटोज में, उस वाले के ब्लेंडिंग मोड पर रख देना है। बाकी इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको इसकी ओपेसिटी जो थोड़ी सी कम कर लेनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर फोटो को जो एकदम परफेक्ट तरीके से डन कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को ऐड फोटो में जाके फिर यहाँ से ऐड करना है एक नाइफ का PNG जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस नाइफ के PNG को ऐड करना है। एंड उसके बाद इसको रोटेट करके जो आपको अपने हैंड पर यहाँ पर फिट कर लेना है। तो इसके बाद आप लोग करना है कि आप लोग अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड सेव करके इसको लाइट रूम ऐप में ले जाना है, क्योंकि जो भी रिटच होगा हम लाइट रूम ऐप में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसकी लाइट को करेक्ट करेंगे, तो लाइट वाले ऑप्शन में जाकर पहले इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देंगे, हाईलाइट्स को जो है अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेंगे, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड जो यहाँ पे ब्लैक्स है उसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे। इतना जाने के बाद आप लोग को फिर चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर को जो थोड़ा ब्लू टोन की तरफ रख देना है। उसके बाद आपको कलर मिक्स में चले जाना है, ऑरेंज कलर लेना है, इसका ह्यू बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो है इसका येलो कलर, इसका ह्यू माइनस कर देना है। एंड जो पिंक कलर है इसका भी ह्यू माइनस कर देना है। इससे जाना है नीचे रिटर्न में, आपको फोटो क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है, फोटो में वीकनेस डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग, एंड देन फीदर को इंक्रीज कर देना है, फिर शार्पनेस को बढ़ा देना है आप लोगों को। एंड फाइनली आपकी फोटो जो यहाँ पर एडिट हो चुकी है।